खबर आ रही है रुड़की से, जहां पर रुड़की बीटीगंज में स्थित जैन धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सचिन गुप्ता के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का जोरदार स्वागत किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा रुड़की शहर में व्यापारियों के साथ जनसंवाद कर उनकी समस्याओं को सुना गया और समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन भी दिया गया। कार्यक्रम में सचिन गुप्ता के निमंत्रण पर सैकड़ों की संख्या में रुड़की शहर के व्यापारी पहुंचे और साथ ही कार्यक्रम में सचिन गुप्ता के समर्थकों की भारी भीड़ भी दिखाई दी। और आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन गुप्ता के द्वारा रुड़की शहर की जनता से लगातार उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली जा रही है और उनकी समस्याओं का समाधान भी कराया जा रहा है और इसी के चलते रुड़की शहर के व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ जनसंवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। रुड़की शहर के व्यापारियों के समस्याओं के समाधान के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ जनसंवाद कार्यक्रम आज रुड़की बीटीगंज जैन धर्मशाला में आयोजित किया गया। और आपको बताते चले कि इसी के चलते कांग्रेस के प्रति जनता का प्यार देख पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बड़े ही खुश नजर आए और उन्होंने कहा कि 2022 में रुड़की की नई सुबह होने जा रही है। इस पूरी खबर को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया श्याम सुंदर के साथ सोमवीर सैनी ने। सबसे पहले तो आप सभी चैनल्स का आभार। आज ये जो आयोजन हुआ है व्यापारी मिलन समारोह का, हमारे छोटे भाई सचिन गुप्ता जी ने अरेंज किया था और इसमें काफ़ी व्यापारी यहाँ पर आए हुए हैं और रुड़की नगर की बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट नगर अब रुड़की पहले जैसा नहीं रहा। रुड़की की आबादी अब 2 लाख या 2.5 लाख के करीब पहुंच गई है और एक ट्रांसपोर्ट नगर जो बहुत ज़रूरी बनना था, हम उसकी चाह रहे हैं। व्यापार मंडल ने भी ये कहा है कि ये अब बहुत ज़रूरी बनना चाहिए। कुछ समस्याएं हमारे एक रामनगर के दुकानदार भाई हैं, 23-24 दुकानदार हैं, जो उनको दुकानें अलाट हो गई थी वो अभी तक उनको नहीं है, बल्कि पिछले 2 महीने पहले उनकी सील लगा दी गई। ये 7 बिंदु हैं हमारे। एक सिविल लाइन्स नजूल भूमि का मामला, वो भी 10-12 साल से चल रहा है। स्थानीय नेता आश्वासन तो दे देते हैं मगर उस काम में कोई पहल नहीं करते। जैसे हमारा बीटीगंज का है, लीज का मामला है, यहाँ पर भी कई सालों से लीज पे चल रही है क्योंकि ये मामले ऐसे हैं। उस आश्वासन दे देते हैं मगर उसके कार्रवाई नहीं करते। अगर जो अपनी उन्होंने कहा है जब हमारी सरकार बन जाएगी हम सभी बंधुओं को निस्तारण करेंगे। तो सुलझे हुए नेता हैं ये और मेरा मानना है कि जब इन्होंने अपना पूरे पहले वाला कार्यकाल बहुत अच्छा गया था इनका और मुझे उम्मीद है कि ये जो समस्याएं हैं व्यापारियों की ये इसको सोल्व करेंगे। देखो ये तो एक व्यापारी की अपनी इच्छा पे निर्भर है क्योंकि आजकल व्यापारी थोड़ा सा सरकार में शासन में हर तरह से परेशान है और हम चाहते हैं कि व्यापारी को कोई समस्या है तो हम उसके साथ खड़े हैं। और मेरा मानना है कि जैसे सरकार अब चुनाव आने वाले हैं तो व्यापारी एकजुट होकर किसी को सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा। बहुत खुशी की बात है और रुड़की हमारा प्रवेश द्वार भी है और यहाँ के व्यापारी वर्ग बहुत ही प्रबुद्ध वर्ग है तो उनसे बातचीत करते हुए मुझे अच्छा लगेगा। फिर 2022 में एक नई सुबह होनी है, चुनाव होने हैं तो हम चाहेंगे कि उस चुनाव से पहले कांग्रेस व्यापारियों से, उद्यमियों से, छोटे छोटे व्यवसायियों से, सभी लोगों से संपर्क करें ताकि हम अपनी पॉलिसीज़ को, नीतियों को किस तरीके से 2022 से सत्ता में आने के बाद हम संचालन करेंगे उसके उसमें जो व्यापारियों की अपेक्षा है हम लोगों से, राजनीतिक दलों से, हम राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस के रूप में उस अपेक्षा का अपने घोषणा पत्र में समावेश कर सकें और भविष्य की अपनी नीतियों को उसके अनुसार ढालने का वादा कर सकें। तो इस उसी क्रम में मैंने आज ये बैठक रखी। वैसे भी वो मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय है जिससे कांग्रेस का चुनाव अभियान आगे बढ़े मैं उस पर बातचीत करूँ। बाकी बातें कांग्रेस संगठन के लोग हैं, जो है महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी, कुशासन,
भ्रष्टा हुआ भ्रष्टाचार और एक सरकार की एक के बाद एक जो विफलताएं हैं उन विफलताओं में विशेष तौर पर जो विकास बिल्कुल अवरुद्ध हो गया राज्य का उन विषयों को लेकर के पद यात्राएँ कर रहा हूँ और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आज कानपुर में भी हजारों की संख्या में लोग हमारी पद यात्रा में सम्मिलित हैं। किसी को बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है, उसी को टिकट मिलेगा जो जनता में स्वीकार होगा, जिसके जीतने की संभावना होगी। जितने लोग होंगे, लोग जनता का दिल जीते हैं और उसमें किसी के परिवार के लोग हैं क्या हैं, देखिए किसी के मांगने पे भी रोक नहीं है, किसी के लड़ने पे भी रोक नहीं है, लेकिन पार्टी उसी को टिकट देगी जिसमें जीतने की संभावना है। रणनीति बिल्कुल सब स्पष्ट है, जिसका पार्टी के साथ जुड़ा हो और टूट रहा हो और जो पार्टी के लिए काम करता रहा हो, जिसका कार्यकर्ताओं में स्वीकार्यता हो और साथ साथ जनता, क्योंकि लोकतंत्र में दुल्हन वही जो पिया मन भाव है, जनता जिसको पसंद करेगी उसको उम्मीदवार बनेगी। कोई चूक नहीं हुई, 2017 में भाजपा और मोदी जी समाज को बांटने में सफल हो गए। उस 2017 में जनता के सवालों पर वोट ही नहीं हुआ, पेट के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, आम जनता के कल्याण पर वोट नहीं हुआ, कब्रिस्तान और शमशान घाट की राजनीति पर वोट हुआ। तो कांग्रेस शमशान घाट कब्रिस्तान की राजनीति नहीं करती है, कांग्रेस इंसानियत की राजनीति करती है, पेट की राजनीति करती है, तरक्की की राजनीति करती है, विकास की राजनीति करती है। और इसलिए कांग्रेस हार गई और भाजपा जीत गई और आज स्थिति बिल्कुल उलट है, क्योंकि जनता भाजपा से त्रस्त आ चुकी है। लोगों ने ये महसूस कर रहे हैं कि 2017 में उन्होंने निर्णय करते वक्त वो चूक हो गई और भावनावश गलत लोगों को वोट दे दिया। इस समय लोग उस चूक को सुधारना चाहते हैं। देखिए, ये लोकतंत्र की जीत है। लोकतंत्र में कोई सरकार कितनी ही अहंकारी क्यों न हो, वो अपने को कितना ही शक्तिशाली क्यों न समझते हो, जनता के सामने उसको झुकना पड़ता है और श्री मोदी झुके। ये भारतीय लोकतंत्र और संवैधानिक लोकतंत्र की बड़ी जीत है और मैं इसको एक सामान्य घटना नहीं मानता, एक भारतीय राजनीति की एक असामान्य घटना है। और इसलिए किसानों को मैं बधाई देना चाहता हूँ।